नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेलहम्स गर्ल्स स्कूल की उप प्रधानाचार्य को उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य के लिए उच्च स्तरीय योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। गीता शर्मा वेलहम्स गर्ल्स स्कूल की एक अध्यापिका के पद पर दायित्व निभाते हुए मुखिया वार्डन डीन ऑफ एग्जामिनेशन रही। वर्तमान में वह उप प्रधानाचार्य के पद पर सुशोभित हैं। फरवरी 2021 में गीता शर्मा को नैनीताल में शिक्षा रत्न अवार्ड से भी राष्ट्रीय स्तर पर नवाजा गया। संगठन द्वारा ये सम्मान पाकर वह अति प्रसन्न हुई और उन्होंने संस्था की गतिविधियों की और उनके द्वारा किए गए कार्यों की भरपूर सराहना की और भविष्य में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया कि यह संस्था निरंतर जरूरतमंद छात्र छात्राओं की शिक्षा के लिए निरंतर कार्यरत है, जो अति प्रशंसनीय है। इस अवसर पर संगठन के चेयरमैन सचिन जैन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गीता शर्मा के सहयोग से हम छात्र छात्राओं को सहयोग कर उनका स्तर बनाने में मददगार साबित होंगे, ऐसी आशा करते हैं। इस अवसर पर संगठन की प्रदेश अध्यक्ष मधु जैन ने कहा कि संस्था हर वर्ष ऐसी महिलाओं को सम्मानित करती है जो किसी न किसी क्षेत्र में अपना योगदान देती हैं। Get an opportunity to face every sort of opportunity in school and to give to the society what they have learned. In Vellum, we give them so many opportunities, but what is most important is that they share it with people who do not get those opportunities, and so we make them do social service and little things like teaching people, teaching younger children who are not so who don't get so much of opportunities and education and all that. And even within the school, we try to see that each girl is helps the other children who are not as bright as them, you know. So wo hai ki everybody gets an opportunity, so that by the time they leave the school, they feel good about themselves and they feel that haan, aage jaake main kuch kar sakti hu. Human Rights and Social Justice Association for giving me this award. I'm really honored, and aage jaake I'd really like to give back to this association anything that I can do for the society.